लद्दाख की याद आ गई भाइयों यहाँ पे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पर राडा टेल्स भैरवगढ़ का पार्ट नंबर। तो दोस्तों अभी हम लोग निकल चुके हैं भैरवनाथ महाराज के दर्शन लेके भैरवगढ़ के। वहाँ से जाते समय बहुत ही आराम से जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं ऊपर नीचे जाने के बाद। तो बीच में थोड़े 360 शॉट्स लेने हैं मुझे। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है कहाँ से आए थे, तो हनुमान जी को धन्यवाद करते हैं। जय बजरंगबली की जय। तो दोस्तों ये देखिए, ये नज़ारा बहुत ही प्यारा, और ये सामने का पूरा ऑफ रोड। अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, हमारे सब राइडर्स आगे निकल गए हैं, अभी मैं अकेला बचा हूँ। धीरे धीरे अभी ये ऑफ रोड से मैं जा रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा डीप ग्रेवल्स है यहाँ पे। ये देखिए किस तरीके का घाट सेक्शन है ऑफ रोड वाला। लद्दाख की याद आ गई भाइयों यहाँ पे। स्पीति लद्दाख मनाली का जो रास्ता है, ये पानी गिरता हुआ बझरने का मस्त। देखिए ये देखिए। चलिए बहुत धीरे धीरे जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लोप है और बहुत बड़े पत्थर है यहाँ पे। लेकिन बहुत अच्छी हैंडल हो रही है गाड़ी। वसूल हो गए, वसूल आज का ट्रिप। अरे बाप रे, ओ हो, क्या नज़ारा है इसका। फोटो तो बनता है, क्या बात है, बहुत बढ़िया नज़ारा। देखिए दोस्तों क्या है ये। बस शूट आ गया, सब लोगों को दिखाएंगे नज़ारा। बहुत ही आराम से जाना पड़ेगा, बहुत ही ख़तरनाक ग्रेवल से यहाँ पे। नज़ारे देखने हैं कुदरत के, तो ये रिस्क तो लेना पड़ेगा। यहाँ पे अकेला थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, ग्रुप है इसलिए थोड़ा अच्छा है।
आ गए खतरनाक वाले रास्ते से नीचे और ये फिर से जंगल का डर्ट राइड थोड़ा सा बहुत ही बढ़िया है। ये तो पूरा मतलब आज पूरा राइडिंग का जो भी कीड़ा है पूरा मस्त ख़त्म हो गया। फिर से नज़ारा ये देखिए, ओ भाई साहब नज़ारे ही ख़त्म नहीं हो रहे यहाँ पे तो। तो ये सब हुंडा राइडर्स हमारे भैरवगढ़ को टाटा करते हुए और जंगल में से जाते हुए बहुत ही बढ़िया लग रहा है सब एक साथ में। हुंडा के सब दोस्त लोग और ये एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल नज़ारा आपके सामने, ऊपर से पूरा जो क्लाउड है वो नीचे आते हुए, ये देखिए आप कुदरत का करिश्मा हो गया ये बहुत ही सुंदर। और ये नीचे जंगल, बाजू में पूरे ग्रीनरी और ये सब राइडर, ऊपर का नज़ारा बहुत ज़्यादा खतरनाक है। धूप भी खिली है और इतने सारे बादल आ चुके हैं और बादल ऐसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, बहुत मस्त दिख रहा है। ये देखिए दोस्तों आगे आके आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए ये क्या खतरनाक नज़ारा है दोस्तों। शूटिंग चल रहा है ना, हाँ ये देखिए, ये सामने देखिए आप अभी इंस्टा 360 कैमरा कितना उसको एक्सपोजर ले पाएगा कितना, ये देखिए कितना बढ़िया एटमॉस्फियर है ऊपर, क्या व्यू है ज़बरदस्त। ये देखिए कुदरत का नायाब करिश्मा, बहुत ही अमेजिंग व्यू है। मैं मोबाइल पे भी शूट कर रहा हूँ ये, स्टॉप रिकॉर्डिंग। मैं मेरे लाइफ में ऐसा नज़ारा कभी भी नहीं देखा है आज, इतना प्यारा नज़ारा है ये। तो ये हमारे सब राइडर्स अभी थके हारे ठंडे पानी का मज़ा ले रहे हैं, यहाँ पे बढ़िया वाटरफॉल है और ये सब लोग मस्त एंजॉय कर रहे हैं, वाटर मस्त नहा रहे हैं, वाटरफॉल देख के आते हैं, फिर हम भी जाते हैं थोड़ा पानी में कूदने के लिए। ओहो हो ये है बढ़िया सा वाटरफॉल, यहाँ पे तीन चार स्टेप में गिर रहा है, 1 2 3, बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है। ओह हाँ हाँ, और एक नज़ारा देखने मिल गया हमें। तो अभी कूदते हैं इनके साथ में, अभी इनके साथ में कूदेंगे। स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो दोस्तों रिटर्न जर्नी में मैं पहुंच चुका हूं, अभी ये बहुत ही बढ़िया रास्ते पे और बहुत ही अच्छे अच्छे आज हमने नज़ारे एक्सप्लोर किए और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया भैरवगढ़ को। तो दोस्तों ये व्लॉग मैं लगभग यहीं पे ख़त्म कर रहा हूं, क्योंकि अभी थोड़ा अंधेरा भी हो रहा है और आगे लगभग बारिश होने के चांसेस है, और हाईवे पे मैं कोई ब्लॉग नहीं बनाना चाहता, इतना बढ़िया जगह से अभी हाईवे पे क्या ब्लॉग बनाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये ब्लॉग होता है ख़त्म, अभी के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो ज़रूर आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हो, पहली बार मेरा व्लॉग देख रहे हो, इस तरीके की मोटो व्लॉगिंग के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे व्लॉग इसके आगे मिलने वाले हैं, पहले भी मिल रहे थे, अभी कंटिन्यूस अच्छे व्लॉग आपको मिलेंगे। होप आपको मेरा ये काम अच्छा लगता होगा, अच्छा लगता है तो आप ज़रूर, नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके
फ्रेंड्स और फैमिली में जिसको भी इस तरीके के मोटो व्लॉगिंग देखना पसंद है, आप ज़रूर उनके साथ में ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय। दिस इज़ योगेश तांबट, बहुत बढ़िया नज़ारों के साथ में ये व्लॉग को कर रहा हूँ ख़त्म। टाटा, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। Stop recording.